देखिए संचार की प्रतिक्रिया में आधारित जो लोग हैं ठीक है, उनके अकॉर्डिंग संचार के जो माध्यम है वो चार प्रकार के माने गए हैं। और उन जो चार प्रकार के माध्यम हैं ठीक है, ये कितने हैं? चार प्रकार के माध्यम हैं। और इन चारों प्रकार के माध्यम को हम यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे कि कौन कौन चार प्रकार के माध्यम हैं। पहला जो माध्यम है उसको देख लेते हैं। देखिए ये है अंत व्यक्तित्व संचार, अंत तक संचार, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक, इस ये एन है छोटा बन गया कम्युनिकेशन, ऐसे कर लो यार। नेक्स्ट इसमें आता है सेकंड नंबर पे आपका अंतर व्यक्तित्व संचार। व्यक्तित्व संचार और इसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन उसके बाद में अगला आता है आपका समूह संचार। इसको हम कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। लास्ट आपका इसमें आएगा जन संचार। इसको हम कहेंगे मास कम्युनिकेशन। तो ये चार प्रकार, देखिए संचार जो है कम्युनिकेशन जो है वो चार प्रकार के होते हैं ठीक है। पहला है अंतर व्यक्तित्व संचार, इसको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है अंतर व्यक्तित्व संचार, इसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। उसके बाद समूह संचार, इसको हम बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। उसके बाद लास्ट है आपका जन संचार, इसको हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। और अब हम इन सभी को नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री एंड नंबर फोर ऐसे करके वन बाय वन डिस्कस करेंगे, अच्छे तरह की थ्योरीज को पढ़ेंगे समझेंगे ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं इनको एक एक करके। पहला हम इसमें डिस्कस करेंगे अंत व्यक्तित्व संचार यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ क्या होता है, ये संचार की वह प्रक्रिया कहलाती है जिसमें व्यक्ति स्वयं कम्युनिकेट करता है। स्वयं का मतलब वो किसी और से नहीं कर रहा, किसी माध्यम से नहीं कर रहा, स्वयं अपने माइंड से कर रहा है ठीक है। यहाँ बात किसकी की जा रही है, माइंड की, मस्तिष्क की, जो ये माइंड है इसके द्वारा कम्युनिकेट करना। अब इसके द्वारा कम्युनिकेट कैसे होगा जरा सोचिए, व्यक्ति क्या करता है, मान लीजिए योगा कर रहा है कोई व्यक्ति ठीक है। योग में क्या है, लंबे लंबे सांस ले रहा है, वो अध्यात्म की तरफ जा रहा है योग करते करते हैं। तो क्या कर रहा है, अपनी अंतरात्मा से कम्युनिकेट कर रहा है एक प्रकार से। तो वो हो गया इनका क्या, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ठीक। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें संचार और प्रापक ठीक है, प्रापक, इसको हम प्रापक बोलते हैं, दोनों की भूमिका एक ही है। प्रापक कौन होता है, जो मान लीजिए ये व्यक्ति होगा दूसरा ठीक है, यह वो कहलाएगा प्रापक।
प्रापक कैसे है कि ये जो कुछ कह रहा है या बोल रहा है इसके पास जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इस केस में क्या है, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में इसकी जरूरत नहीं है, इस व्यक्ति की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। यहाँ पर ये खुद ही प्रापक की क्रिया भी निभाएगा, ठीक, खुद ही संचारी क्रिया निभाएगा। अब ये कैसे होता है कि आप जैसे घर पे बैठे हो या कहीं भी बैठे हो और आप अपने में मगन होकर बहुत अच्छी तरह कुछ सोच रहे हो, ठीक है, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, वो क्या है, आपका इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन है आपका, ठीक। आप बैठ बैठ सोच रहे हो कि भाई हाँ ये हो सकता है, ऐसे होगा, मैं कल ये करूँगा, मेरे को वो करना है, मेरे को वहाँ जाना है। आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे ना, आप अपने अंदर की चीज़ों से बात कर रहे हो, अपने आंतरिक मन से आप बात कर रहे हो, तो चिंतन मन से आप बात कर रहे हो, तो वो है आपका अंत है व्यक्ति तक संचार, ठीक। इसमें कहता है अगर कोई व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति सपना देख रहा है, आप सोते हो तो सपना देखते हो, कुछ लोग जागते हो सपना देख लेते हैं, भाई सोने की तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। अब आप जिस कंडीशन में भी, मैं ये नहीं बोलूँगा सोते हुए देखते हो, आप जिस कंडीशन में भी सपना देखते हो, क्या वो सोते देखते हो या जागते देखते हो, तो उस सपने के अंदर आप स्वयं हो, आपने बहुत देखा, आप कहीं भी हो, किसी के साथ भी हो, ठीक है, वो सपना आपका है, लेकिन क्या उस सपने में जो भी लोग आपके साथ हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड, मैं एक वाई देता हूँ, एक्स वाई जेड, ये लोग मान लीजिए आपके साथ हैं तीन, ठीक, तो क्या जो तीन लोग हैं आपके साथ में, ये उस सपने में आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, कह सकते हैं, या फिर आप जब सो करके उठे, आपका सपना टूटा और आपने इन लोगों को बात की कि भाई आप मेरे सपने में क्या कर रहे थे, ये पूछे अभी पढ़ा बावला आदमी यार, हम तेरे सपने में क्या करेंगे, बोले नहीं यार तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सपने में आने की, मैं तो अपने आप सोच रहा था, तो कहेगा मूर्ख है बड़ा, मतलब मूर्ख की बातें कर रहा है, हम सपने में कैसे आ सकते हैं, भाई तेरा सपना तूने क्या देखा, तो यही कंडीशन है वो, ठीक। इसमें क्या है कि आप किसी दूसरे को ना कह सकते ना ब्लेम कर सकते, आपके सपने में कोई दूसरा था, लेकिन क्या उसको उस सपने के बारे में पता है, नहीं पता, क्योंकि वहां जो संचार का माध्यम हुआ वो केवल आपके ही मस्तिष्क, आपके माइंड में हुआ, ठीक, आपके इस माइंड में हुआ, लेकिन ये जो बंदा है जिसको हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया, ठीक है, क्या इस बंदे के लिए कुछ पता प्रक्रिया है वहां पर, वो अब उससे पूछने लगो, आप फोन करो अपने दोस्त को कि यार कल तू सपने में आया था, और बोलेगा भाई अच्छा बताओ फिर क्या हुआ, बोले यार तूने सपने में मुझे कुछ कहा, बोले क्या कहा, बोले मुझे क्या पता, तूने कहा तुझे को पता हुआ क्या कहा, तो क्या बोलेगा आपको, बोला बहुत बड़ा मूर्ख आदमी यार, सपना तेरा देखा तूने, माना मैं था लेकिन पता तुझे हुआ ना क्या कहा मैंने, अगर आप उसको बोल दो नहीं मैंने ध्यान से सुना नहीं, तुझे पता हुआ तूने क्या कहा, तो कहेगा यार अजीब आदमी है, तूने ध्यान से नहीं सुना तेरे सपने में, तो मैं दोबारा कैसे उसको बता सकता हूँ, क्योंकि वो सपने में बात है, उसके माइंड के अंदर बात है वो, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है इसमें और चीज़ें जान लेते हैं, देखिए इसके अंदर मानव अपनी केंद्रीय स्नायु तंत्र, यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, और जो बाहरी स्नायु तंत्र है, जो हमारा पर्पल नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है, उसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए इनमें क्या होता है कि बाहर के स्रोत कैसे, कभी कभी आपने समझा होगा कि आप जैसे रात में हैं, ठीक, मान लीजिए कि रात का समय है, आप सोने जा रहे हैं, अब उस समय आपने कुछ देखा, क्या कोई मूवी भी आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपने कोई मूवी देखी, ठीक, आपने मूवी जो देखी यहाँ पर, या फिर कोई बुक आपने रीड की या बुक पढ़ी आपने, अभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जो लास्ट में करके सोते हैं वही चीज़ आपके माइंड में आ जाती हैं, तो बिल्कुल वही सिस्टम यहाँ पर है, ठीक। ये उसी प्रकार की बात करते हैं कि संचार का माध्यम आपके माइंड में उससे भी हो सकता है, आपने अपने दोस्त से बात की, बड़ी कुछ हसीन बातें भी हो सकती हैं, कुछ लड़ाई की बातें भी हो सकती हैं, मान लीजिए आपने लड़ाई की बात की और आपने कहा मैं तो मार दूंगा, या फिर उसने बोला मैं तेरे को जान से मार दूंगा, आप जब सोएंगे तब आपके दिमाग में एक डर की भावना पैदा हो जाएगी, और जो डर की भावना पैदा हो जाएगी वो डर ही आपका सपना क्रिएट करेगा, सपना जो आपका बनेगा उससे ही बनेगा, और फिर आपके सोचेंगे उस, ये भी सोचते हैं आप कि उसने आपको मार दिया, ठीक है, सोच सकते हैं ना आप कि उसने आपको मार दिया सपने में, फिर आप सब उठ के बोलेंगे, अब आपको सोचिए कि सपने में आपने कई बार देखोगे आप मर गए, सपने में देखा होगा आपने, अब क्या उस सपने को लेकर के आप कोर्ट में जाकर के या पुलिस स्टेशन में जाकर के FIR कर सकते हैं या कोर्ट में केस कर सकते हैं, भाई मेरे को इस व्यक्ति ने मार दिया, अगर आप सोचिए ऐसी प्रतिक्रिया अपनाते हैं, जाएंगे बोलेंगे भाई मेरे को इस व्यक्ति ने मारा, कब मारा भाई, कल रात मारा, बोला तू जिंदा खड़ा है, अजीब मूर्ख बना रहा हमारा, बोले नहीं कल रात मैंने सपना देखा, मेरे सपने में ये आया और इसने मुझे गोली मार दी या चक्कू मार दिया, वो कहेगा यार अजीब आदमी है, कहेगा आपको यकीन नहीं आता मैं रिकॉर्डिंग, अब रिकॉर्डिंग हो सकते हैं सपने की, आप सबूत भी दिखाओ उस चीज़ का, तो ये क्या है आपके माइंड में चलने वाली चीज़ें हैं,
और ये जो माइंड में चलने वाला ये भी एक संचार यानी कम्युनिकेशन सिस्टम है। कभी कभी क्या होता है, देखिए इसमें एक और नई चीज़ भी आती है, आप लोगों ने बहुत से लोगों ने देखी फुकरे रिटर्न मूवीज, जिसमें वो एक बंदा होता है वो क्या बोलता है कि भाई होने वाली भविष्य में होने वाली चीज़ें आपको पहले पता लग जाती हैं। ठीक, अब आपको कोई बता तो नहीं रहा उस बात को कि भाई आपको किसी ने समझाया हो बताया हो कि भाई ऐसे ऐसा हो रहा है। जैसे मैं मान लो आपको कहता हूँ कि अभी आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, इसके बाद आपका मोबाइल ही क्रैश कर जाएगा, आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाएगा, आपका लैपटॉप बेकार हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, तो क्या जो मैं बता रहा हूँ क्या हो सकता है आपके पास में? नहीं, लेकिन आप जो सोच रहे हो वो हो सकता है। ठीक है ना, कोई भी चीज़ बताई नहीं जाती इसमें। आपने सोचा कि मान लीजिए उतना सिक्स सेंस काम करता है आपका, आपने कुछ चीज़ें देखी सोची उसके बाद आपने बोला कि नहीं भाई ये चीज़ हो सकती है, ये एक्सीडेंट हो सकता है, ये दीवार गिर सकती है। जैसे आपने फाइनल डेस्टिनेशन मूवी देखी होगी तो उसमें क्या है, जो इंसान के माइंड के अंदर चलने वाली प्रतिक्रिया है उसकी ही बात दिखाई गई है उसके अंदर सबके सब। ठीक, तो ये भी एक संचार का माध्यम है। अब वहाँ पर बोलता ना कि भाई मैंने ऐसे देखा बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है, और वो क्या बोलते हैं यार अजीब है कहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, गुस्सा क्लियर पड़ा है और थोड़ी देर बाद एक्सीडेंट हो जाए, कहता है यार सही बोल रहा था बंदा, बाद में यकीन आता है। क्यों? क्योंकि उसने फिर आपका संचार का माध्यम है वो अपना लिया, तब उसको व्यक्ति को यकीन आया। उससे पहले उसने यकीन क्यों नहीं किया? क्योंकि वो चीज़ें आपके मस्तिष्क में चल रही थी। ठीक, और मस्तिष्क की बातों पर आप खुद जानते हैं कोई कितना यकीन करता है, तो वो चीज़ सपनों में, तो सपनों की दुनिया में तो हर किसी को अच्छी लगती है सपनों की दुनिया। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि इसकी विशेषता क्या है। देखिए ये कंडीशन तो बन जाती है व्यक्ति के अंदर, लेकिन इसकी कुछ विशेषता भी तो होंगी, तो उनको समझते हैं अब यहाँ पर। देखिए विशेषताओं में पहली विशेषता हम डिस्कस करेंगे, स्वयं को संचालित एवं योजना बनाना। ठीक है, कैसे होता समझिए, आपका मान लीजिए कोई एग्ज़ाम आ रहा है। ठीक, अब एग्ज़ाम आ रहा है, आपने पूरे बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं जो भैया एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, सारा साल बैठ कर तैयारी करते हैं, लेकिन लास्ट में उनको भी एक बूस्टअप की जरूरत पड़ती है, मतलब खुद को बूस्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं? तैयारी करते हैं, टाइम पीरियड बनाते हैं, मतलब 12 महीने आपको किसी एग्ज़ाम के लिए मिल रहे हैं तो उसमें क्या, वो हर महीने को डिवाइड कर लेते हैं कि इस महीने मुझे यही काम करना है, इतना इतना करना है, रिविज़न करना है। तो एक क्या किया उसने, एक फॉर्मेट तैयार कर लिया, और जब यहाँ पर वो फॉर्मेट तैयार कर लेंगे एवरी मंथ का कि जनवरी में क्या करना है, फरवरी में क्या करना है, मार्च में क्या करना है, अप्रैल में क्या करना है, मई में क्या करना है, जून में क्या करना है, ये सब ऐसा करके फॉर्मेट अब जब रेडी कर लेंगे वो, ठीक, तो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। अब ये तो नहीं कोई दूसरा बंदा आपको बताए, मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए सब नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं कहूँगा कि भाई नेट की तैयारी करने के लिए आप एक महीना पहले ही बुक खोल कर देख लें, तो कहेंगे यार बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, ये तो कहोगे आप। कुछ लोग कहेंगे क्या तो सही रहे यार, उससे जब पहले मर्जी जल्दी क्या है, भूल जाते याद किया हुआ, तो करंट पे खोलेंगे, रिविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताज़ा ताज़ा याद किया चले गए पेपर देने, अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक, होते ना बहुत से कि ये बता भाई बस एग्ज़ाम कब है, रातों रात तैयारी कर लेंगे, तो वो वाला भी कॉन्सेप्ट होता है। तो जो ये जो माइंड है ये क्या है, आपके अंदर से आता है कि आप, कुछ इंसान क्या होते हैं सोचिए कि कोई एग्ज़ाम की तैयारी, उन्हें पता होता है एग्ज़ाम होगा उस डेट पे होगा, पता है उन्हें, लेकिन फिर भी चलो यार अभी तो इतना टाइम है निकाल दिया, चलो यार अभी तो ये कर लेते हैं टाइम निकाल दिया, ठीक है यार ऐसे नहीं काम करते हैं घूम भी आते हैं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 8 महीने पड़े हैं, चलो अभी मूवी भी देख लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, मतलब क्या है वो टाइम को कहीं ना कहीं अपना लगाते रहेंगे कि अभी बहुत टाइम है। धीरे धीरे करके 6 महीने बीत गए, 6 महीने बचे हैं, फिर धीरे धीरे करके 4 महीने और बीत गए, 2 महीने, फिर क्या होता है यार अब सीरियसली पढ़ाई करनी है, फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उनका समय तो निकल जाता है लेकिन वो पढ़ नहीं पाते। ठीक, और जब वो पढ़ नहीं पाते उस समय के अनुसार, वो भी क्या, अब किसी ने आके हाथ तो उनका पकड़ा नहीं था, उन्होंने अपने ही दिमाग से वो प्रतिक्रिया अपने लिए बनाई। ठीक, अब जब वो अपने दिमाग से ऐसी प्रतिक्रिया बना लेंगे तब क्या होगा कि कंडीशन बन जाएगी, और यही कंडीशन क्या होगी कि स्वयं को संचालित करने और योजना बनाने। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, पहले से योजना बना लेंगे संचालित करने के लिए, कैसे कि भाई हमें पढ़ना है, हमारी ज़रूरतें ये हैं, इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें पढ़ना होगा, और पढ़ने के लिए हमें इतने घंटे पढ़ना होगा। मान लीजिए उसने योजना बनाई कि भाई हमें 12 घंटे 12 आवर्स डेली पढ़ना है। ठीक है, अब उसमें हर व्यक्ति के जीवन में, अब बहुत से व्यक्ति यहाँ पर देखिए एक संचालित प्रक्रिया स्वयं कैसी है ये भी समझ लीजिए कि अब व्यक्ति से किसी से बात कर रहे हो, आपका फ्रेंड हो गया तो आप उसे बोल रहे हैं भाई चलो घूमने चल रहे हैं या फिर मिलना है, कोई भी एक अलग बात। ठीक, अब वो क्या कहेगा आपको,
यार टाइम नहीं है। अच्छा मैं बहुत बिजी हूँ, मेरी लाइफ का भी जिगर देखो भाई। एक बात बताओ, सभी की लाइफ में 24 आवर्स ही दिए गए हैं, ठीक है? अब ये 24 आवर्स कैसे यूटिलाइज करने हैं ये आपको तय करना है। ऐसा तो नहीं कि भाई आपकी लाइफ में 24 घंटे हैं, मेरी लाइफ में 36 या 48 घंटे हैं, ये तो संभव नहीं है, ठीक है? और 24 घंटे में आपको सारी क्रियाएँ करनी है। कुछ लोग होते हैं कि सारी क्रियाएँ करते हैं, अपना लाइफ भी जीते हैं और चलते रहते हैं आगे। कुछ होते हैं कि जब तक कोई मोटिवेशनल वीडियो ना देख ले उनका माइंड सक्रिय नहीं होता। और क्या होता है, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी उन्होंने कि अरे भाई ऐसा करना, ओहो आज मैं पढ़ूंगा, पक्का पढ़ूंगा, आज से पढ़ने बैठ गए, एक महीना पढ़ लिए, फिर क्या कोई फ्रेंड वेंड आ गया घर पे, चल यार मूवी देख के आ जाए, वहाँ चल रहे घूमने, चले गए निकल के टाइम, अब आकर के आलस में आ गए, अरे यार पढ़ लेंगे कल से पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे वो 15-20 दिन, फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो उनके सामने आ जाएगा, फिर कहेंगे ओहो आज से पढ़ना भाई, ठीक है आज से पढ़ना है, इसने ऐसा कर लिया मैं भी कर दिखाऊंगा, फिर पढ़ने बैठ जाएंगे, फिर कोई फ्रेंड या व्हाट्सअप या फेसबुक बीच में आ जाएगा, फिर सोचेंगे अरे चलो अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं, अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। होता है ना कि आप फेसबुक में लग गए, नई नई चीज़ देख जा रहे हो, वहाँ कमेंट आ रहे हैं दबा के, आप लगे हो फेसबुक में, पढ़ते हैं अभी 10 मिनट पढ़ लेंगे, हाँ अभी 15 मिनट बस, 5:35 तक देखूंगा फेसबुक, 36 मिनट तक पढ़ने बैठ जाऊँगा, और पता लगाओ 6:35 हो गए आप फेसबुक से नहीं हट पा रहे, किसी ने आपको पकड़ा बोला कि फेसबुक पे आप बैठो, कहाँ से आई ये बात आई आपके माइंड से, ठीक कि नहीं मुझे ऐसा करना है, मुझे ये टाइम करना है। वो कहते हैं ना कि भाई अगर आपको करना है साइड में रखो फेसबुक व्हाट्सअप, एक टाइम होता है, तो हर चीज़ आपके अंदर माइंड से ही आती है। तो यही है पहली, इसमें इसकी पहली विशेषता यही है। इसकी दूसरी विशेषता देखते हैं, इसमें क्या होता है, दूसरी विशेषता समझाता हूँ। विशेषताओं में सेकंड जो विशेषता है वो होता है सुख दुख का एहसास। इसको समझते हैं क्या होता है। देखिए सुख दुख का एहसास कैसे है, उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए एक लड़का है ए, एक को मैंने नाम दे दिया बी, ठीक। अभी जो ए और बी है ये दोनों ही एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और एग्ज़ाम का नाम है UPSC, या फिर इसको हम जानते हैं IAS का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अब दोनों ने दबा के मेहनत करी, दोनों का माइंड अलग अलग है, कोई किसी के माइंड को डेवलप नहीं कर सकता, कोई किसी के माइंड को कह नहीं सकता। इत्तेफाक से एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आया ए फेल, जो बी है वो पास, ठीक है। अब बी पास हो गया तो बी को एक एहसास क्या हुआ, पहली बात तो एक सुख का एहसास हुआ कि भाई वाह मैं अपने फ्रेंड से तो ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ठीक। ये तो एहसास उसको होना ही है, और इसको क्या एहसास हुआ, यार मैं इतना मूर्ख हूँ उससे, मेरे में क्या कमी रह गई ऐसी, एक एहसास। अब मान लीजिए 600 पोस्ट निकली हैं एग्ज़ाम में, और 600 में से 550 रैंक इनका आया नवाब का, ठीक है। ये नवाब साहब का रैंक कितना है, 550, प्रॉपर आइज तो नहीं बन पाए, ठीक, लेकिन फिर भी खुश है कि वो पास हो गए। अब इन्होंने क्या किया कि अगले ही पल एक और चीज़ चेक की, क्या होगी एक और चीज़, इन्होंने सोचा कि नेक्स्ट ईयर फिर से एग्ज़ाम देंगे भाई इसको, इसने सोचा भाई मैं तो दूंगा ही दूंगा, इसने बोला अच्छा मैं भी दूंगा, मेरे को प्रॉपर आइज बनना है, और जबकि मैं तो एक बार क्वालिफाई कर चुका हूँ एग्ज़ाम, बोला ठीक है चलो देखते हैं। अब नेक्स्ट ईयर फिर से दोनों ने दबा के मेहनत की, खूब दबा के मेहनत की, हालांकि दोनों के मन में सुख दुख की भावनाएँ तो थी। इसके मन में सुख दुख की भावनाएँ कैसे थी कि इन्होंने एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लिया, सुख इस बात का भी है, अपने दोस्त से, दोस्त इनका फेल हो गया ये पास हो गया, सुख इस बात का भी है, लेकिन दुख इस बात का था कि ये प्रॉपर आईएएस नहीं बन पाए, इनको रैंक जो अच्छा चाहिए था इनका मन मुताबिक रैंक और पोस्ट नहीं मिल पाई, इनको तो दुखी दुख है भाई, फेल हो गए सीधा, ठीक है। एक छोटा सुख कह सकते हैं कि दोस्त पास हुआ है, लेकिन दोस्त पास होता तो इतना सुख कहाँ होता है भाई आजकल, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, दोबारा एग्जाम में बैठ रहे हैं, अब बहुत दबा के मेहनत की, तभी जो ए वाला जो बंदा है इस बार इसका रैंक 1 आ गया, टॉपर ही हो गया सीधा, ठीक है। और जो बी वाला बंदा है उसका रैंक और कम होकर के 230 तक मान लीजिए पहुंच गया, ठीक। अब देखिए इसका रैंक 1 आ गया, ये बहुत खुश, ये तो खुश हो गया भाई, झूमेगा कि ले अगले बार में तो रैंक 1, और ये क्या है 230 पे, इसको कह रहा है फिर से पसंद की पोस्ट नहीं मिली। तो अब सुख दुख की, अब इसको देखो, इसको फिर से वही दोनों भावनाएं इसके अंदर आ गई, तीन भावनाएं, मतलब दो भावनाएं क्या, हीन भावना भी है। तो यहाँ पे सुख दुख की भावना इसके अंदर है, कैसे,
पहली बात, पहले से अच्छी रैंक आ गई सिलेक्ट तो इस बार भी हुआ, लेकिन जो रैंक सोची थी वो नहीं आई, ठीक है। दूसरी बात, मनपसंद पोस्ट ने मिली, इस बार का दुख, और उससे भी बड़ा दुख क्या हो गया कि जो इसका दोस्त पिछली बार फेल हो गया था वो टॉपर हो गया, ठीक। तो ये है सुख दुख की एक भावना, ये भी किसकी, अंतर व्यक्ति संचार की एक प्रकृति करे। अब ऐसा तो नहीं कि अपने दोस्त को फोन करके गालियां देगा, उसका अपना पूरा गुस्सा उसके ऊपर निकाल देगा कि तेरी वजह से मैं फेल हो गया या तेरी वजह से मेरे कम नंबर आए, तू टॉपर बन गया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब तो नहीं है ना। लेकिन माइंड में चलता रहेगा, क्वेश्चन तो आ जाएगा, अरे पहली बार फेल हो गया तो ना, पास भी नहीं हो पाया और अब की बार टॉपर बन गया, ठीक है। या फिर दूसरा क्या सोचेगा, वो पहले फेल हुआ था, देखो पहली बार ये पास हो गया था, अब की बार देखो, अब की बार रैंक तो चलो अच्छा आ गया लेकिन इसका नंबर अच्छा नहीं आया, तो नहीं मैच से अच्छा ले आया। तो आपके मन में चल रहा है, आप इस बात को जाहिर भी नहीं कर पाओगे पूरी तरीके से, ठीक है। आप क्या बोलोगे, चलो यार कोई बात नहीं, फेल भी हो गए तो यार कोई बात नहीं, अब तुमने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, कहीं ना कहीं कमी रहेगा, सुधार कर लेना, ये होगा। लेकिन मन में सोच रहे हो, मूर्ख तो आई, मेरी बात मानता नहीं, मेरी बात समझता नहीं, मैं समझा रहा था बहुत। तो ये एक प्रक्रिया हो गई आपकी। आगे इसमें हम देखते हैं, इसकी एक और विशेषता है, देखिए थर्ड इसकी विशेषता क्या कहलाती है, उपयोगी वे आवश्यक आविष्कार। मानव जो है वो अपने जीवन के लिए जो उपयोगी चीजें हैं, ठीक, और जिनकी उसे आवश्यकता है उनका आविष्कार करता है। कैसे करता है, सब चीज समझिए। पहले आप बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते कमरे जितने, ठीक है। आज क्या है, मोबाइल भी आपका एक कंप्यूटर बन चुका है, ठीक। जरूरत के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट हुआ है। तो ये क्या है, आपकी जरूरत। अब जरूरत कैसे है, जरूरत क्या, आपको किसी ने बोली भाई इसकी इसी की जरूरत है, बनाओ, माइंड में आया एक थॉट, किसी के माइंड में आया, उनने बना डाला, ठीक। हम नई नई चीज़ देखते हैं, व्हाट्सअप के किसी ने बोला था भाई तू व्हाट्सअप बनाइयो या तू फेसबुक बनाइयो, नहीं ना, माइंड का खेल है, दिमाग में आया बना दिया, उसको लगा जरूरत है आविष्कार कर दिया। ओला कैब, ठीक है, अब जोमेटो चल रहा है, स्विगी चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, सब क्या, किसी ने जाकर थोड़ी बोला अपने दोस्त को या फिर अपने परिवार के किसी बंदे को कि भाई जाकर तुम ये बनाना, ठीक, दिमाग में आया बंदे ने बना डाला। तो क्या है कि उपयोगी है वो चीज़ जो बनाई है फेसबुक पे। अभी भी आप में से कुछ लोग फेसबुक छोड़ के ही वीडियो देखने आए होंगे, ठीक है, या फिर वीडियो देखने के बाद फेसबुक देखने वाले हो, या फिर उपयोगी है और आविष्कारक है। यही है एक विशेषता कि आपके लिए उपयोगी साथ साथ में वो सभी के लिए उपयोगी हो सकती है। आपने जो आविष्कार किया उसका उपयोग सब ले सकते हैं। लेकिन क्या उन सब ने आपसे डिमांड की, वोट डाले कि नहीं ये चीज दो, ये चीज करो, बताइए। तो ये चीज क्या है, आपके मस्तिष्क के ऊपर है ये भी, ठीक है। अगला इसमें इसकी विशेषता आती है, अगला चौथी इसकी विशेषता है नियंत्रण। दिल और दिमाग पे नियंत्रण कैसे, ये भी समझते हैं। आप मान लीजिए सफर कर रहे हैं, ठीक है, आपने कोई बहुत ही प्यारी चीज देख ली, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए आपने कोई अच्छी कार देख ली, ठीक, या फिर कोई अच्छा घर देख लिया, किसी की अच्छी ड्रेस देख ली, कोई अच्छा लड़का या लड़की देख ली, आपने देख तो लिया अच्छा, ठीक। क्या आप उसको जाकर एकदम से बोल देंगे, पालेंगे चीज को, संभव नहीं है भाई। किसी की कार है, आप जाकर दूसरी खरीद सकते हो ऐसी, वो ठीक है, लेकिन आप बोलोगे अरे भाई तेरी कार मुझे बहुत पसंद आ गई यार, दे दे, कहेगा बड़ा बेवकूफ आदमी यार, ऐसी कार मांग ली आकर के, ठीक है। कुछ भी चीज़ हो, तो ये क्या है, आपके दिमाग पे आपका नियंत्रण है एक प्रकार से, ठीक। इसकी विशेषता है किसकी, जो हम इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें नियंत्रण भी एक बहुत विशेष महत्व रखता है कि आपने नियंत्रण रखना रखा, आपने अपने आप में संयम बनाए रखा, आपने जो भी चीज़ देखी आप ऐसे नहीं उसके पीछे पड़ जाओ, ठीक है, पीछे पड़ भी सकते हो यार, लेकिन उसको पाने के लिए ऐसा नहीं है कि बस आपने देखा आप खो बैठे, नहीं नहीं मुझे चाहिए, गर्दन में जाकर चक्कू रख दिया भाई मुझे तेरी ये चीज़ चाहिए, वो संभव नहीं है भाई, ठीक। नियंत्रण संभव है कि आप ऐसा नहीं करते हो। जहाँ नियंत्रण खो देता है इंसान वहाँ क्या होता है, वहाँ क्राइम, ठीक है, अपराध उत्पन्न हो जाता है कभी कभी। कैसे, आपने देख ली कार, आपने मन बना लिया आज ही चाहिए, पैसे तो है नहीं लेकिन आई चाहिए, क्या करोगे, चोरी कर लाओगे जा करके। अब चोरी कहीं भी कर सकते हो, जिसकी कार है उसी को चुरा लो, शोरूम में चुरा लो या किसी और की चुरा लो, देखी किसी की लेकिन चोरी कर लिया आपने किसी और की, क्यों, क्योंकि मैंने ऐसी कार देखी थी मुझे तो आई चाहिए, तो मतलब अट्रैक्ट तो आपने किसी और ने आपको किया लेकिन उसका फल किसी और ने भुगता भाई,
तो आपने क्या किया, आप अपना नियंत्रण खो दिया। और जब आप नियंत्रण खो देते हो तो विशेषता में कहाँ से आ जाएगा, विशेषता में तब आएगा जब आप उस पर नियंत्रण बना के रखोगे। तो नियंत्रण भी एक प्रकार की आपकी इसकी विशेषता है। इसकी लास्ट विशेषता जो है, अंतिम विशेषता है, वो है फीडबैक व्यक्त करना। समझते हैं फीडबैक। देखिए फीडबैक कैसे, फीडबैक इंसान कैसे व्यक्त करता है। मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूँ और आपसे बोलता हूँ कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं क्या मांग रहा हूँ आपसे, फीडबैक ही तो मांग रहा हूँ। अब आप क्या मेरे कहने पे फीडबैक दे देंगे, हैं भाई मैंने बोल दिया जरूर थोड़ी आप सब मेरे कहने पे फीडबैक देते हैं। आपके जब माइंड से आएगा अच्छा कि भाई आपको लगा नहीं देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, अच्छा भी या फिर बुरा भी, या फिर सर और अच्छा पढ़ा सकते हो, सर ये भी पढ़ा दो, या सर ऐसे चेंजेस करो, या सर ऐसे करो, ये क्या है, आपने एक चीज़ सोची उसका फीडबैक आपने मुझे दिया। मैं बोलूँगा नहीं आप मुझे ये बताओ कि इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ये तरीका सही है ना, क्यों भाई, या फिर आपको ये तरीका अच्छा लगता है। अब मैं जानता नहीं आप कौन हो, लेकिन आपके अंदर आपका थॉट है करेक्ट, और उस थॉट के अकॉर्डिंग आप फीडबैक दे सकते हो। कुछ लोगों को क्लास में जाकर बैठ कर पढ़ने में अच्छा लगता है तो फीडबैक देते हैं, नहीं हमें सर क्लास का समझ में आता है। कुछ लोगों को बोर्ड पर लिखा हुआ समझ में आता है, वो क्या फीडबैक देंगे, सर बोर्ड का अच्छा है लेकिन पूरी जो लिख देते ना वो दूसरे कंप्यूटराइज जो पढ़ाते हैं वो सर बेकार है। किसी को वो अच्छा लगता है, किसी को वो बेकार लगता है। तो क्या है, सबका अपना अपना अलग अलग फीडबैक है। और ये फीडबैक कहाँ से आता है, ये फीडबैक की जो प्रतिक्रिया होती है ये भी इंसान के मस्तिष्क से ही आती है, ठीक है, इंसान का जो दिमाग है माइंड है उससे ही निकल के आता है फीडबैक। अब फीडबैक देखो किसी भी प्रकार से हो सकता है, दो व्यक्ति हैं और आजकल के अगर दौर में मैं बात करूं फीडबैक की, तो फीडबैक कहां सबसे ज्यादा देखा जाता है, आजकल देखा जाता है फीडबैक सबसे ज्यादा राजनीति में, ठीक। अब आप देख रहे हो ना कि 2019 के इलेक्शन के लिए अभी से फीडबैक लगाना शुरू कर दिया कि 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट की इतनी सीटें आ सकती हैं, बीजेपी इतने लॉस में चल रही है, ठीक है, और कांग्रेस इतने में चल रही है, आम आदमी पार्टी इतने में, तो ये क्या है, रिजल्ट तो आपके पास है नहीं अभी भी, लेकिन एक दिमाग लगा लगा के बार बार फीडबैक निकाला जा रहा है, ठीक है, कि भाई ऐसा होगा ऐसा हो जाएगा, अगर आपने ये किया तो आप ये हो जाएगा, इतने सीटें आ जाएंगी, तो हर चीज़ का फीडबैक होता है, कहीं कहीं पर कुछ अच्छा भी होता है, कहीं कहीं पर बुरा भी होता है। इसकी ये विशेषताएँ हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम, इसको समझते हैं। देखिए ये कम्युनिकेशन का वो माध्यम है जिसमें दो लोग आपस में कनेक्ट होंगे, समझे कैसे, ये दो लोग हुए ए बी, ये दो लोग आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक। मान लीजिए जैसे कि इसमें देखिए ऐसा नहीं कह सकते आप कि मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ, नहीं, ये प्रक्रिया इसमें नहीं चलेगी। कैसे, कि क्योंकि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें एक देखने वाले आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं, करेक्ट, आपको भी नहीं पता कितने लोग मुझे देख रहे हैं। और क्या आपका फीडबैक मैं तुरंत ले सकता हूँ, आप मेरे को तुरंत कह सकते हैं अभी के अभी कि सर ये नहीं, ये ऐसा बता दीजिए, सर ये भी बता दीजिए सर, नहीं ना, फीडबैक में टाइम लगेगा इस फीडबैक में, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, समस्या उत्पन्न हो जाती है कभी कभी, यहाँ पर ये दोस्त लोग होंगे जो आमने सामने होंगे, ठीक है, इनसे ही हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। और देखिए कम्युनिकेशन की प्रक्रिया यानी कि एक माध्यम चलेगी, दोनों माध्यम चल सकती है इसमें, ये इनको बोल सकता है कुछ भी, ये इनको बोल सकता है कुछ भी, ठीक। तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन चलेगा। यहाँ पे सम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक छोटा बच्चा आपने देखा होगा, ठीक है, एक छोटा बच्चा, इसको हम बोलते हैं नवजात शिशु ले लीजिए, बहुत एकदम अभी पैदा हुआ बच्चा है, वो पैदा होता है। अब क्या पैदा होती है, उसको आप बोलो चल भी खड़ा हो जा और घूमने चलते हैं, संभव है नहीं, संचार तो आप कर रहे हो, कम्युनिकेशन तो कर रहे हो, लेकिन ये संभव नहीं है। क्या होता है कि वो धीरे धीरे ही समाज में अपना स्थान बना पाता है। कैसे, मान लीजिए वो अभी तो पैदा होकर के एक दिन का है, ठीक, धीरे धीरे क्या होगा, मान लीजिए फिर वो बढ़ के एक महीने का होगा,
उसके बाद वो एक साल का होगा। अब यहाँ उसको समझने की, वो जानता भी नहीं है कि उसकी माँ भी कौन है, करेक्ट, उसको कुछ नहीं पता यहाँ पर। लेकिन यहाँ तक आते आते वो हल्का फुल्का सा कि उसे भूख लगी है सब समझने लगता है। एक साल का होते होते उसमें डेवलप होने लग जाता है उसका दिमाग थोड़ा बहुत, कि भाई माँ कौन है, दादी कौन है, दादा कौन है, पिता कौन है, ये सब समझ में आने लग जाता है उसको। ठीक, तो ये एक सिस्टम है। अब क्या हो रहा है, जब वो दादी दादा चाचा चाची इनको अलग समझने लग जाता है, यानी कि वो समाज में बढ़ रहा है, समाज के अंदर आ रहा है। समाज के अंदर आने की उसकी प्रतिक्रिया कैसी है, क्या उसको पता है कि ये चाचा है, उसको पता है कि ये चाची है, ये बुआ है? नहीं, आपने उसको समझाया, आपने उसके दिमाग में वो चिट डाली, ठीक है, और उसका आंसर भी आपको मिलने लगा। पहले थोड़ा टाइम लगा था मिलने में, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कुछ भी। आपने एक बार बता दिया ये चाचा है, अब कभी आप सोचो चाचा कौन है तो तुरंत उनसे नजर कर लेगा, वो रहा ऐसे करके बताएगा, है ना, छोटा बच्चा। या फिर बोलो मम्मा कहाँ है, मम्मा वहाँ है, आप उसको फोटो दिखा दो, ठीक है, दो तीन इंसानों की फोटो दिखा दो, उसमें बोलो कि पापा को पहचानो मम्मा को, तो तुरंत उसकी जो फोटो पहचानता होगा उसकी तरफ वो तुरंत देखेगा, तो हंसेगा, हाथ रखेगा, मतलब अपना कुछ ना कुछ आंसर उस पर दे देगा आपको, करेक्ट। तो क्या है, यहाँ पर समय कम लग रहा है बहुत ज़्यादा, और ये संचार का माध्यम हो गया, यानी कि दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। मैं और मेरा दोस्त हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, और बात करते टाइम हम सामने सामने बात कर रहे हैं, मैं उससे कुछ बोलूँगा वो मेरे को तुरंत फीडबैक दे देगा उसका, भाई ये होता है, अच्छा मेरी बात समझ रहा है, वो सुन रहा है। लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हो अभी कभी? संभव नहीं है। ठीक, यहाँ पर क्या है, दो लोगों का आमने सामने आस पास में होना बहुत जरूरी है, तो इसको हम कहेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसको हम डीपली समझते हैं, इसकी विशेषता जानते हैं, उसमें और अच्छे से समझेंगे इसको कि इसकी विशेषता क्या है। पहली विशेषता इसकी है बेहतर, ठीक है, सॉरी ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। अब देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर अभी चीज़ आपको दिखाई, ये वाली, इस पर आपने ध्यान दिया, वीडियो को थोड़ा सा बैक ले जा करके देखिए, आपको दिखाई देगा कि मैंने पहले छोटी ई की मात्रा इसमें लगा दी थी। ठीक, अब अगर आप मेरे सामने होते, करेक्ट, तो आप मुझे तुरंत फीडबैक देते और वो बेहतर फीडबैक होता कि सर आपने जो मात्रा लगाई है ये छोटी ई की लगा दी, हाँ बड़ी ई की आएगी, समझ गए? ठीक, तो ये है फीडबैक, यहाँ तुरंत और बेहतर मिलता है, यहाँ पे इंतजार नहीं करना होता। मान लीजिए कि ये जो मात्रा वाली बात मैंने यहाँ पर डाली, आप इसको अब देख रहे हैं, ये भी हो सकता है कि आप इस वीडियो को 6 महीने बाद देखें, तो मैं 6 महीने थोड़ी इंतजार करूँगा कि भाई 6 महीने तक कोई देखे ना, 6 महीने बाद देखे और मुझे बताएगा कि भाई सर आपने यहाँ पे ना मात्रा वाली बात गड़बड़ कर दी और आपको मात्रा डालनी है, करेक्ट है, तो क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन अगर मेरे साथ में कोई यहीं के यहीं, सोचिए जहाँ पे मैं हूँ यहीं पे कोई साथ में मेरा स्टूडेंट है या कोई और अवेलेबल है, ठीक है, जिससे मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ अभी कभी, तो उसके माध्यम से वो मुझे तुरंत बताएगा, मैं तो लिख रहा था, मैं ऐसे लिख रहा था फीडबैक, और जहाँ तक मैं इसको पूरा भी नहीं कर पाता शब्द को, वो तुरंत अपना फीडबैक ही मुझे देता कि सर आपकी मात्रा ये गलत हो गई, और मैं उसको समझता कि हाँ इसने ये बात सही बताई और मैं इसको सीधी कर देता, सही। तो यहाँ फीडबैक क्या हुआ, तुरंत हुआ, यहाँ तुरंत की बात है, ये इसकी विशेषता है कि तुरंत होता है और बेहतर होता है जो तुरंत होती चीज़, क्योंकि आप जल्दी इसको ठीक कर पाते हैं। अगला क्या है इसका, बाधा की कम संभावना। देखिए, बाधा आने की कम संभावना कैसे होगी, सोचिए कि अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और झमाझम बारिश हो जाए, और बारिश में क्या होता है इंडिया में, इंटरनेट धीमा पड़ जाता है, कभी कभी तो बंद ही हो जाए, ठप पड़ जाता है, करेक्ट। अब क्या हुआ, आपके इंटरनेट में बाधा आ गई, तो ये वीडियो आपको स्मूथली चलती दिखाई देगी जो चल रही थी, आप क्या कहेंगे, अरे यार घूमे जा रहा है, सर कुछ बताने वाले थे इम्पोर्टेंट, आप कैसे समझे, हो गई ना बाधा कम्युनिकेशन में,
तो आप वो चीज नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कोई मेरे साथ में यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं बैठ करके, वो लोग तुरंत समझेंगे उस चीज को। ठीक, उनके लिए तो नहीं है ना कोई ऐसा इंटरनेट वैसी चीज कि सर नहीं आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, या फिर मैं मान लो बैठा हूँ, मैं ये बात बोल रहा हूँ, मैंने कहा भाई रुक जाओ, अपने अपने कानों में उंगलियां डाल लो, ठीक है, ये चीज रिकॉर्ड हो रही है, और जब मैं बोलूँ उंगलियां खोल देना कानों से, और फिर आपको एक आपके पास ही जाएगी बातें। तो बाधा है ना एक प्रकार की, कानों में उंगलियां डाल ली आप लोगों ने, तो वही बाधा है, मैं आपको इंटरनेट के माध्यम से समझा रहा हूँ। ठीक, तो बाधा की संभावना कम होगी, कब कम होगी, जब चीजें आमने सामने होंगी, ठीक है ना। अब मान लो चीज आमने सामने तो है लेकिन बहुत दूर है, आपने देखा, आपने मान लो आपने किसी मित्र को बहुत दूर देखा, अब उसका आवाज मानने की आप कोशिश कर रहे हो, आवाज आपकी पहुंच नहीं रही लेकिन आपको दिखाई दे रहा है, वो भी तो एक बाधा हो गई ना, आपकी पहुंच से बहुत दूर हुआ वो इंसान। अब आप बोलोगे सर है तो वो आमने सामने, भाई आमने सामने है ठीक, लेकिन आपसे दूर, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, इसका मतलब उसकी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही, हालांकि जैसे आपने उसको देखा, सोचिए अगर वैसे ही उसने आपको देख लिया तो हो गया कम्युनिकेशन, तुरंत तुरंत कम्युनिकेशन हो, यानी कि फीडबैक आपको तुरंत मिला, और तब फीडबैक मिल जाएगा तब वो समझ जाएगा अरे यार तो मेरा वो मित्र है, और आपके पास दौड़ा चला आएगा, या फिर आप उसके पास दौड़े चले जाओगे। ठीक, अब पता लगा भाई फेसबुक पे मित्र मिल गया ना फेसबुक पे, हेलो हाय क्या हो रहा है, अरे यार कहाँ हो आजकल, बस आपके बगल वाली गली में बैठा हूँ, या फिर आपका पड़ोसी हूँ मैं तो, अच्छा हमें यही नहीं पता था आप मेरे पड़ोसी हो, कहाँ चल रहा है कम्युनिकेशन, इंटरनेट पे, फेसबुक पे, या फिर व्हाट्सअप पे। और सोचिए कम्युनिकेशन करते करते आपका इंटरनेट चला जाए, एक का आ रहा है एक का गया, वो क्या सोचेगा भाई यार बड़ा अजीब आदमी है, इतने दिनों बाद मिला और मैसेज नहीं कर रहा, रिप्लाई नहीं कर रहा मेरी बात का, उसको क्या पता आपका इंटरनेट चला गया या फिर आपका नेटवर्क खराब हो गया, बाधा उत्पन्न हो गई। लेकिन अब आप सोचो अपनी छत पे चले जाओ, या बालकनी में आ जाओ, या फिर घर के नीचे मिल लो, सामने सामने बात कर लो जो बात करनी है, आई बात आ नहीं आई, तो ये होता है तुरंत फीडबैक मिलता है इसमें, कम मतलब बाधा आने की संभावना कम होती है इसमें। अगला है इसका तीसरा है संचारक और प्रपक, के मध्य सीधा संपर्क देखिए इसमें क्या होगा, संचारक हो गया और प्रपक हो गया। ठीक, संचारक मान लीजिए ये व्यक्ति हो गया संचारक, हालांकि इस बार मैं इसका सर थोड़ा सा अजीब बना दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं संचार नहीं कर पाएंगे, संचार ही कर पाएंगे अभी भी, एक संचारक हो गया और एक प्रपक हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके इन दोनों के मध्य सीधा संपर्क हो रहा है, सीधा संपर्क इसमें कि वही जो सेम सिचुएशन है मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई, कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही, सीधा संपर्क होना भी एक विशेषता है। कैसे, आप सोच रहे हो बहुत देर से किसी अपने दोस्त के बारे में, या फिर किसी पेरेंट्स के बारे में सोच रहे हो कि यार आप बहुत दूर हो उनसे और आपकी बात नहीं हो पा रही, बहुत दिन हो गए, आप फिर आपने क्या किया फ़ोन में बात कर ली, लेकिन आपको कुछ ऐसी बात करनी, आप बोलते ना कि यार नहीं कुछ बात है मिल के ही बताऊँगा, होता ना किसी लड़की या लड़के से आप बात कर रहे हो, मिल लो ना आज मिल के बताऊँगा, वो कहती है बताओ, या फिर वो कहता बताओ यार क्या बात है, नहीं यार मिल के, सीधा संपर्क करने जाते हो यानी कि आप उसके माध्यम से, क्यों आपके अंदर डर है कि फ़ोन पे उसकी प्रतिक्रिया कैसी हो सकती है, इंटरनेट पे कैसी हो सकती है, क्या वो सोच सकती है, आपको नहीं पता उसका फीडबैक कैसा होगा। मान लीजिए आप मिले, आपने उसको बोला कि भाई आई लाइक यू, ठीक है, और उसका मूड ख़राब हो गया, वो लड़का हो या लड़की, आपको फ़ोन पर थोड़ी पता लगा उसका मूड ख़राब हो गया, सर आपसे बात बंद कर दिया, लेकिन आपको पता है कि अगर आप फ्रंट पे हो सामने हो तो आप क्या करोगे, अरे जोक था भाई मजाक था, अच्छा हाँ हम तो अच्छे दोस्त हैं, तो क्या हो गया फिर वही कनेक्टिविटी आपकी शुरू हो गई। तो इससे फर्क पड़ता है, ठीक है, सीधा संपर्क इसलिए होता है कि संचारक हो गया और प्रपक हो गया, इन दोनों के मध्य माध्यम में बिल्कुल सीधा संपर्क होगा, कोई बीच में बाधा नहीं होगी, सीधे जाकर मिल रहे हैं, और मिलन तो कहीं भी हो सकता है, वो आप लोग डिसाइड करोगे, हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे उसको, वो आपकी वो फर्स्ट वाली स्टेज आ जाएगी, वो मस्तिष्क होगा आपका, ठीक है, क्या आपको कब किसको क्या बोलना है क्या कहना है वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, और इन सब बातों को केवल
पढ़ाई के माध्यम से लीजिएगा, ये नहीं कि अभी जाकर किसी को संपर्क साधना शुरू कर दो आप कि आप तो संपर्क साधने का सर ने सिखाया है, ठीक है ऐसा मत फॉलो करना भाई, मतलब बाद में मेरी बुराई हो रही है। चलो अगला शुरू करते हैं, इसमें अगला इसका 4 पॉइंट क्या है उसको डिस्कस करते हैं। 4 पॉइंट को ये 4 पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, संचारक के पास प्रपक करने का अवसर। अब देखिए ये जो अवसर वाली बात आ गई ये कैसे होगी समझे इसको, संचारक और प्रपक, ठीक है संचारक और प्रपक को प्रभाव, संचारक के पास क्या होगा प्रपक को प्रभावित करने का अवसर होगा, कैसे समझिए। अभी जो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया इससे पहले वाले उसमें क्या आप सीधा संपर्क साधना चाहते हैं उसी में समझिए, वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन वाली बात, ठीक। अब आप किसी को अपने मन की बात बताने वाले, दिल की बात बताने वाले हैं या फिर किसी से बहुत अच्छी बात डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है तो आप क्या करेंगे भाई, पहली बार मिलने वाले हो, फोन पे आपकी चैटिंग चल रही है, बात चल रही है, तो आप सीधा उससे मिलना पसंद करोगे, करोगे नहीं करोगे, ठीक है भाई मिलके ही बताएंगे, मिलके डिस्कस करेंगे। अब जो ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे ही लोअर पहना टी शर्ट पहन चले गए, मुंह उठा करके नहाए भी नहीं हो, चले गए हाँ हम आ गए और जा करके आप बात कर रहे हो कि चलो, बोले कहाँ चले, बोले ऐसे ही खड़े रहते हैं पार्क में जा करके बात कर लेते हैं, अब क्या करते हो नहीं करते, आप कुछ स्पेशल करने की कोशिश करते हो उस टाइम पर, ठीक है कैसे स्पेशल करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको एक अवसर मिल गया, ठीक है अपने आप को दिखाने का, अपने आप को समझाने का, ठीक आपने पहले कम्युनिकेशन जो किया उससे जान लिया कि आप जो लड़का या लड़की है, ठीक है उससे वो आपसे क्या चाहता है आपने समझ लिया। तो अब जब आप अवसर आपको मिल गया उससे मिलने का, तब आप क्या कर रहे हो सेम वही सिचुएशन क्रिएट कर दोगे आप, ठीक है जिससे कि वो खुश हो जाए आपसे, ठीक हालांकि उसके मन में लड़का या लड़की जो भी उसके मन में कुछ हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन आप सिचुएशन तो वही क्रिएट करोगे ना जिससे कि वो हैप्पी हो जाए और आपको ओके कर दे यस आई एम एग्री, आप अगर एग्री तो खुश, वरना वही सुख दुख वाली भावना आपके अंदर आई जाएगी, कोई एक भावना डेवलप होनी है, ठीक ऐसा हो नहीं सकता कभी आप नॉर्मल हो जाओ उस कंडीशन में, उसने बोला कि नहीं हम अच्छे दोस्त हैं तो भी आपका दिल टूटना है, उसने बोला कि हम अब दोस्त भी नहीं रहे तो दिल डबल टूटना है, ठीक है उसने बोला यस आई एक्सेप्ट आपका प्रपोजल मुझे एक्सेप्ट है, तब क्या हुआ आपके अंदर सुख वाली भावना आ जाएगी, तो भावना हो जाएगी यहां पर क्या हो गया आपको अवसर मिल गया अपने आप को प्रभावी बनाने का दिखाने का। अब वो अवसर आप किसी भी प्रकार से यूज कर सकते हो, उसको गिफ्ट दे रहे हो, ठीक है और कहीं अच्छा डिनर करा रहे हो, लंच करा रहे हो, मूवी दिखा रहे हो, वो किसी भी प्रकार का आपका अवसर हो सकता है, ठीक तो इसमें ऐसा कोई नहीं है। अब देखो केवल ऐसे नहीं, मैं आपको समझाने के माध्यम से एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सोचेंगे सर तो इन्हीं उसमें घुस गए, इस आप जो जनरेशन आज की है ना उसको इसी माध्यम ज़्यादा समझ में आता है, अब मैं ले जाऊँगा टीचर स्टूडेंट वाले उसमें बहुत ज़्यादा, तो आप कहोगे सर बोर हो गए हम तो, ठीक है ये आजकल यूथ ऐसा ज़्यादा समझता है, तो मैं आजकल से ही पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक। अब यहाँ पर आपने अवसर क्रिएट किया और अवसर में आप क्या करोगे, अच्छा ड्रेसिंग सेंस अपनाओगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे, ठीक है एकदम कंघी वंघी करके, और फिर फोक का डियो छिड़कोगे, क्योंकि फोक की आजकल फ्रेगनेंस बनी रहती है ना, सुगंध उसकी बनी रहती है, ऐसा नहीं बिना डियो परफ्यूम आज चले जाओगे, ठीक। तो ये सब संभावनाएं बनती हैं, तो एक इसकी ये विशेषता हो गई। एक और अगली विशेषता देखते हैं इसकी। अब यहां पर हम अंतरव्यक्तिक संचार यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में विशेषता जो हम पढ़ रहे हैं उसकी पांचवी विशेषता देखेंगे। पांचवी विशेषता हमारी है क्या उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारी जो पांचवी विशेषता है वो है शारीरिक और भावनात्मक दृष्टि, ठीक है कम्युनिकेशन में शारीरिक दृष्टि और भावनात्मक जो दृष्टि है आपकी वो किस प्रकार से मदद करती है उसको देखेंगे हम। शारीरिक एवं देखिए जो भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस है हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ड है शारीरिक और भावनात्मक,
भावनात्मक क्या है? भावनाएं, ठीक है, जो आपके अंदर की भावनाएं हैं उनसे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। मान लीजिए कोई गूंगा व्यक्ति है, ठीक, कोई बहरा व्यक्ति है। अब सोचिए गूंगे और बहरे व्यक्ति को आपस में कम्युनिकेशन करना है, कैसे करेंगे? या फिर एक ही क्वेश्चन ले लेते हैं हम, केवल एक ही प्रश्न ले लेते हैं। देखिए, एक होगा इसमें संचार करना, ठीक है, एक होगा प्रपक। अब जो यहाँ पर इसे मैंने मान लीजिए एक छोटा सा ये बनाया, ये हो गया आपका प्रपक और ये हो गया आपका संचारक। ये संचार कर रहा है, ठीक। अब इसको मैं बोलता हूँ ये जो व्यक्ति है ये गूंगा है। अब ये गूंगा व्यक्ति अपनी बातों को इसको समझाएगा कैसे? अब क्या वो बोल सकता है? नहीं। मान लीजिए वो अनपढ़, आप बोले सर वो तो लिख के बता देगा भाई। लिखना एक अलग प्रक्रिया हो गई, ठीक, वो भी कम्युनिकेशन का माध्यम है। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं शारीरिक और भावनात्मक दृष्टि की, उसको हम देखेंगे कि उसमें कैसे समझाएगा। तो ये क्या करेगा, कुछ इशारे करेगा, करते ना ऐसे कि ऐसे करके बोलते हैं, ऐसे करके ओके बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, उनके काफ़ी सारे अपने इशारे होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनको एक लैंग्वेज तैयार कराई जाती है कि भाई आपको किस भाषा में क्या बोलना है। कभी कभी होता है ना कि जैसे आप लोगों ने मूवी बहुत देखी होंगी, मूवीज में आप देखते होंगे कुछ एजेंट होते हैं, वो आपस में इशारा करते हैं, दूसरा बंदा उसकी बात समझ जाता है। वो क्या है इशारा? और वो इशारा ये है कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस है एक प्रकार से। इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में अब आप फैमिली मेम्बर को जोड़ लीजिए, ठीक है, अपने आप को खुद को जोड़ लीजिए। फैमिली मेम्बर जो आपके हैं उसमें अगर आपको दिखा, ठीक है, कि आपके पापा की जो आंखें हैं वो गुस्से से लाल हो गई, तो आप उनसे कोई बात करने डरोगे, बोले यार आज तो गुस्सा है, कुछ बोलेंगे थप्पड़ मार देंगे, ठीक है। आपको बोला पता लगा कि आपके मार्क्स कम आ गए एग्ज़ाम में, आपके पापा ने पूछा हाँ भाई कितने मार्क्स आए हैं, आपने उनके बोलने के तरीके से उनकी भावनाओं को पकड़ लिया, उनके शारीरिक, ठीक है, जो शारीरिक उनकी प्रक्रिया है ना उससे आपने उनकी भावनाओं को पकड़ लिया एक प्रकार से कि पापा का मूड कैसा है। वैसे ही पूछ सकते थे और बेटा कैसा रहा एग्ज़ाम का रिजल्ट, आप कहेंगे अरे पापा 33% पास, अच्छा इधर आओ खातिरदारी शुरू। ये भी होगा ना प्रोसेस, ठीक। अब मूड बदल भी सकता है, तो मूड बदलना क्या है? अब मैं इमेजिन कीजिए कि एक पर्सन यहाँ पर ए है, ठीक, ये आमने सामने ना हो करके एक दूसरे से अलग हो गए, यहाँ जो बी पर्सन है ये अलग है एक दूसरे से। अब ये किसी भी तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं कह देता हूँ इनको कि मोबाइल फ़ोन पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, इनके पास एक मोबाइल फ़ोन है, इनके पास मोबाइल फ़ोन है, और देखो अमीर बच्चे हैं, एप्पल का फ़ोन है दोनों के पास, ठीक है। अब अगर दोनों मोबाइल फ़ोन से कम्युनिकेट कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे चले जाइए, अब क्या चल रहा है, ईयर 2018 चल रहा है, ठीक है। अब इस ईयर से आप थोड़ा पीछे चले जाइए, पीछे आएंगे तो 10 साल पीछे मान लीजिए, तो 2008 की बात हम कर लेते हैं। 2008 में जब आप मोबाइल फ़ोन से किसी से बात करते थे मैसेज के थ्रू, तब आप पता लगता था आपको कि भाई वो गुस्सा है सामने वाला, नाराज है आपसे, पता लग पाता था क्या? वो झूठ मूठ का गुस्सा दिखा रहा हो, लेकिन नहीं पता लगता था। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बढ़ी, कम्युनिकेशन बढ़ा, फिर क्या हुआ, एक वो इमोजी से आते ना, जैसे ऐसा फेस आएगा बना हुआ, ऐसे स्माइल है, और जिसी फेस में बन गया ऐसे करके तो आपसे नाराज है, सोच रहा है। अब आप उनको भेज के, जो चेहरे की बनावट है उनको भेज के बता देते हो कि आपका मूड कैसा है, आप क्या सोच रहे हो, आप अपना सर पटक रहे हो या गाली दे रहे हो, गुस्सा दे रहे हो, सींग दिखा रहे हो, ठीक, या आप ड्रैकुला बन गए हो, वो सब का सब आप उससे समझा, वो भी एक भावना है। लेकिन क्या उससे आपको सच्चाई पता चलती है? क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है, जो भी कम्युनिकेशन का माध्यम है और जो कम्युनिकेशन का माध्यम आप अपना रहे हो, क्या उससे आपको सच्चाई पता चलती है? यहाँ पर इन दोनों के बीच में गैप है, ये इंसान बैठा है दिल्ली में और ये इंसान मान लीजिए बैठा है मुंबई में, ठीक है। मुंबई में बैठने के बाद में क्या ये इंसान इस इंसान की भावनाओं को फ़ोन पे मैसेज के थ्रू समझ सकता है? हालांकि कम्युनिकेशन तो हो रहा है, लेकिन वहाँ शारीरिक दृष्टि देख सकता है कि शारीरिक दृष्टि क्या है, भावनात्मक दृष्टि क्या है। अब क्या होगा कि मान लीजिए सामने वाले का मूड बहुत अच्छा है, जो ए पर्सन उसका मूड बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये फिर भी बी पर्सन को दुखी करने के लिए नाराज वाले इमोजी भेज रहा है कि भाई मैं बहुत नाराज हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, हालांकि वो मजाक कर रहा है, वो तो चार मूवी देख रहा हो बैठ करके, ठीक, या अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के पास बैठा हो, लेकिन आपको एक अलग चीज़ दिखा रहा है वो, ठीक है, एक अलग फिल्म आपके दिमाग में बना रहा है वो। तो क्या उससे आपको सच्चाई पता चली? नहीं।
सच्चाई आपको कब पता चलेगी? जब पर्सन आमने सामने होगा, और आमने सामने कैसे? शारीरिक दृष्टि से और भावनात्मक दृष्टि से भी जब दोनों पर्सन आमने सामने होंगे। और यहाँ केवल पर्सन की बात नहीं है, किसी भी चीज की बात कर लीजिए, ठीक। एक ग्रुप भी हो सकता है, दो बंदे भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जब आपके सामने होगी चीज तभी आप पता लगा पाओगे। और सामने कैसा है? चक्षु प्रत्यक्षम, यानी कि जो आप अपनी आंखों से स्वयं देखते हो, अपनी आंखों की, अपनी आंख जो आपकी इंद्रिय है ना, दृष्टि एक प्रकार से जिससे आप देख रहे हो, विजन जो बन रहा है आपका, उससे आप जब खुद देख के कॉन्फिडेंसली बात करते हो, बोलते हो कि हाँ ये होना चाहिए, तब वो चीज होती है, समझ गए? तो इसको हम कहेंगे शारीरिक और भावनात्मक दृष्टि। और शारीरिक और भावनात्मक दृष्टि में इंसान की समझ पर आधारित चीजें भी निर्भर करती हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यहाँ जो है एक गूंगा व्यक्ति है, एक बहरा व्यक्ति है, इसको हम मान लीजिए बहरा कह लेते हैं। ये बहरा व्यक्ति है, ये गूंगा व्यक्ति है। अब ये जो दो व्यक्ति हैं, क्या ये आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ठीक प्रकार से? थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब ये आमने सामने बैठे होंगे तब इनके लिए आसान हो जाता है, समझ रहे हैं? एक तरीका होता है कम्युनिकेट करने का कि भाई कुछ पदचिन्ह हो गए, कुछ तरीके हो गए। आप मेट्रो में भी जाते हैं, मेट्रो में होता है ना कि जो आँख, जो बेचारे ब्लाइंड होते हैं उनके लिए एक अलग से रास्ता सा बना होता है, उस पर कुछ मोटे मोटे वो लगे होते हैं पैरों के निशान से, वो कहते हैं कि भाई जो ब्लाइंड लोग हैं उनको चलने का जो रास्ता है उसको आप अवरुद्ध ना करें किसी भी प्रकार से, ठीक है? तो हर उसमें सुविधा दी जाती है। तो क्या है, वो जो अंधे होते हैं, ब्लाइंड लोग होते हैं, वो भी छू करके, स्पर्श के द्वारा पता लगाते हैं कि शब्द क्या है, समझते हैं उनको, वो पढ़ते हैं उसको। हालांकि उनको सुनने की जरूरत, सुन तो लेते हैं, पढ़ना भी जरूरी है ना, तो पढ़ते उस तरह से हैं वो। तो क्या है, वो भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। और कम्युनिकेशन ये हो गया आपका शारीरिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से कम्युनिकेशन इस प्रकार से आपका होगा, ठीक है? अब इसमें हम अगला डिस्कस करते हैं, छठा क्या है हम देखते हैं। देखिए छठी जो विशेषता है इसकी वो है हस्तक्षेप करना, असहमति की स्थिति में हस्तक्षेप करना। सॉरी, ठीक, असहमति की स्थिति में हस्तक्षेप करना। यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी एक होगा संचारक और एक होगा प्रपक। संचारक और प्रपक होंगे, इनके ऊपर यहां डिपेंड होगा सारा माहौल, ठीक है? ये आपका संचारक हो गया, वो आपका प्रपक होगा। अब यहां बात की गई असहमति की दृष्टि में हस्तक्षेप करना। देखिए असहमति कैसे हो सकती है, असहमति किसी प्रकार से हो सकती है। आपको किसी ने कुछ बोला, ठीक, सपोज ये ए है, ये बी है। ए कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, इसने कुछ बोला बी को, यानी कि आप ऐसे मान सकते हैं एक सत्ता दल है ये, इसको हम नाम देते हैं अभी सत्ता दल, और ये हो गया विपक्षी दल, विपक्ष दल, ठीक। अब सत्ता दल और विपक्षी दल है, दो दल हो गए आपस में। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए इन्होंने कुछ बात बोली, देखिए तो हमेशा आपने भी देखा होगा, जानते भी होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, अखबारों में देखा होगा, समाचार आप सुनते हो, ठीक है? तो वहां पे क्या होता है कि सत्ता दल जो भी बात बोले, जो भी स्कीम निकाले, विपक्षी दल उसको हमेशा नेगेटिव लेके जाएगा, ठीक। और ये हर किसी के साथ है। अगर मान लीजिए बीजेपी है, बीजेपी ने कोई स्कीम निकाली, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, यह ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बीजेपी ने कोई स्कीम निकाली, ठीक, तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, ठीक है, और एसपी, ये सब के क्या होंगे, ये सब इसके अगेंस्ट हो जाएंगे क्योंकि ये विपक्षी दल है, ठीक। यही हम इसका उल्टा कर लेते हैं थोड़ा सा, कि यहाँ पर हमने लिख दिया कांग्रेस, कांग्रेस ने कोई स्कीम निकाली,
तो यहाँ पे कौन सी आप आटा का बीजेपी कर दो, ठीक, ऐसा हो गया। तो जो भी पार्टी होगी सत्ता में वो विपक्षी को हमेशा गलत ठहराने की कोशिश करेगी, ठीक है, यानी कि हस्तक्षेप कर रही है। और हस्तक्षेप केवल, मैं आपको और भी अच्छी तरह कई कई एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ हस्तक्षेप कैसे कैसे हो सकता है। आपके फादर है घर में, ठीक है, और फादर ने आपका एक डिसीजन लिया, देखिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप फिर ये ना कहो कि सर एक ही एग्जाम्पल से चल रहा है और समझ में कोई तरह नहीं आया, तो दो तीन एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए एक फैमिली है, फैमिली में आपके फादर हैं, और उस फैमिली में देखिए मैं सारा सर बनाऊँगा यहाँ पे ऐसा करके, ये पर्सन है आपके घर के, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर और नंबर फाइव, ये फैमिली है, ठीक। अब आपके फादर ने घर के लिए कोई डिसीजन लिया, ठीक है, लेकिन आपकी जो मदर हैं, चलनी तो उन्हीं की है भाई घर में, होम मिनिस्टर तो वही है घर की, तो क्या होगा, वो कहेंगे नहीं भाई नहीं, सही नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसे होगा। आपका फादर कहेंगे यार देखो समझो मैं जो कह रहा हूँ सही है, वो कहेंगे नहीं घर में चलाती हूँ, मुझे पता क्या होता है घर में, ठीक है, आप बस चुपचाप तनख्वाह लाओ हाथ में दो और काम खत्म, बाकी मैं देख लूँगी, ठीक। तो क्या हुआ, असहमति की स्थिति बनी इन दोनों में, ठीक है, और फिर क्या हुआ, हस्तक्षेप किया गया। अब याद देखिए यहाँ पर हस्तक्षेप कैसे हुआ कि ए के साथ असहमति थी बी को, और बी ने ही हस्तक्षेप कर दिया उसने, ठीक। अब एक कंडीशन इसके थोड़ा सा अलग आएगी, चेंज कंडीशन होगी, उसमें क्या होगा, देखिए मान लीजिए इस कंडीशन को मैं फैमिली में ना लेकर के थोड़ा बदल देता हूँ, तीसरी कंडीशन क्या होगी हस्तक्षेप करने की, अब इसको हम कर देते हैं हस्बैंड वाइफ ही रहने दे, चलो इसको हस्बैंड वाइफ है, नई नई शादी हुई है, ठीक है, अब लव मैरिज समझ लो, अरेंज मैरिज समझ लो, कोई भी मैरिज हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, शादी हुई है नई नई हस्बैंड वाइफ की, ये सारे इनके फ्रेंड हैं पांच के पांच, ठीक। अब क्या होगा, शादी तो हो गई, वाइफ ने कहना शुरू किया जी आपका प्यार कम हो गया, हस्बैंड बोला भाई कैसे, बोली देखो पहले आप मुझे दिन में चार बार फ़ोन करते थे, आप फोन ही नहीं करते, कहेगा यार एक घर में आते फ़ोन क्या करूं, बोले कोई बात थोड़ी है, फ़ोन करो, मैसेज करो, मुझे व्हाट्सअप करो, अच्छा ऑफिस में आते तो क्यों नहीं करते, क्या हुआ, उन्होंने अपनी एक भावना व्यक्त की, ठीक, और इनकी भी एक भावना हो गई, लेकिन ये जो भावनाएं दोनों की निकल करके आई, ये दोनों ही एक दूसरे से असहमत हो गए भावनाओं में अपनी, ठीक है, अब भावनाओं में असहमत हो गए दोनों ही, तो ये क्या करेंगे, सिंपल बात, झगड़ा बढ़ जाता है भाई ऐसे, जब असहमति की स्थिति आती है तो इन दोनों में आप में झगड़ा होगा शुरू, जाओ तुम, मैं आज के बाद सुबह उठा बंदा न, उसका ब्रेकफास्ट तैयारी नहीं है, नाश्ता नहीं मिला उसको, चला गया ऑफिस में उठा करके, खा ले जो खाना है, बाहर नहीं मिलेगा खाना, रात को आएगा रात को भी नहीं मिलेगा, जाइए क्या होगा, लड़की उठेगी अपने मायके चली जाएगी, जाओ मैं जा रही हूँ, मैं मायके चली जाऊँगी, तू देखता रहियो, ठीक, हो गया उनका, चले गई, क्या हुआ, ज़्यादा बढ़ गई बात। अब यहाँ पर आता है हस्तक्षेप कैसे होगा, ये फ़ोन करेंगे, ठीक है भाई, वाइफ अपने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करेगी, सीधी सी बात है जो उसके चहेते होंगे, और हस्बैंड अपने फ्रेंड को फ़ोन करेगा जो उसके चहेते होंगे, भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है, तेरी भाभी तो गई, वो कहेंगे जी वो गए, ठीक। कंडीशन क्या होगी, ये दो ये सब आएंगे, कोई दो आ सकते हैं, चार सकते हैं, पांच के पांच भी आ सकते हैं, आ करके सुलह करवाएंगे, तो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया, कहेंगे भाई देखो समझो, ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है सुलह में भी कि जो सुलह करवाने आते हैं वो खुद ही लड़ मरते हैं आपस में, तो हो गई सुलह, फिर कोर्ट कचहरी हो जाती है, फिर कभी भावना जाग गए तो सुलह हो गई, वरना नहीं हुई, तो ये सब है क्या आपकी असहमति की स्थिति में हस्तक्षेप। तो विभिन्न प्रकारों से असहमति की जब स्थिति बनेगी तो उसमें हस्तक्षेप हो सकता है, ठीक, और ये भी विशेषता होती है किसकी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की एक, ठीक, कि ऐसा नहीं है कि जब आप असहमत हो किसी चीज से तो ऐसे ही बने रहो, नहीं, उसमें हस्तक्षेप करना भी एक क्वालिटी है, एक विशेषता है कि आप उसमें हस्तक्षेप कर रहे हो और उसको बदल रहे हो चीज को, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि इंसान के साथ में कुछ गलत हो रहा उसको फॉलो करता रहे कि नहीं भाई, कहते ना मेरा पति मेरा देवता है, लगे रहो, और रोज डंडा बजा रहा आकर के, रोज डंडे से अच्छी तरह खातिरदारी हो रही है, नहीं मेरा पति तो मेरा देवता है, क्या हो गया, असहमति तो है मन में है लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं हो पा रहा, ठीक।
तो क्या उसकी विशेषता होगी, वो नहीं होगी, क्या विशेषता रह गई, जब उसमें कंडीशन अप्लाई नहीं हुई। तो कंडीशन अप्लाई कब होगी, जब आप असहमत हो और उसे बदलने की कोशिश करोगे, तब आपकी वो विशेषता क्वालिटी बनकर आएगी बाहर। ठीक है, अब इसका हम डिस्कस करेंगे सातवीं विशेषता क्या है। सातवीं विशेषता क्या होगी, पहले से बहुत कुछ जानना, पहले से बहुत कुछ जानना। कैसे होगा समझते हैं। देखिए संचारक जो है, ठीक, मान ली संचारक ये हो गया, ये हो गया प्रपक, संचारक प्रपक के बारे में पहले से बहुत कुछ जानता है। इसके मैं दो तीन उदाहरण आपको देकर समझाता हूँ। देखिए आप हो, एक पर्सन हो गया कोई भी ए, ठीक है, ये रोज घर से बाहर निकलता है, ठीक। अब रोज घर से बाहर निकलेगा तो इस पर इसके पास दो कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन क्या होगी कि ऐसे लोगों को रोज देखता होगा जिनको ये जानता भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ऐसे लोगों को भी रोज देखता होगा जिनको ये जानता है। अब जानने वाले लोग कहाँ मिल सकते हैं इसको, बहुत सिंपल सी बात है, घर से बाहर निकल तो पड़ोसी हो सकता है, सामने वाला हो सकता है, ठीक है, या कोई फ्रेंड हो गया, चलते फिरते फ्रेंड मिल जाते हैं, वो सब हो सकते हैं, मामा चाचा भांजा फूफी दोस्त यार, वो सब हो सकते हैं जिनको ये जानता है। लेकिन ऐसे लोग जिनको जानता है उनकी संख्या कितनी होगी, थोड़ी कमी होगी, किसके मुकाबले, जिनको नहीं जानता उसके मुकाबले। क्योंकि जब बाहर निकला तो 100 लोग कम से कम दिख रहे हैं इनको आगे, ठीक है, 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, मेट्रो स्टेशन पे चले जाओ ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी वैसे रेलवे स्टेशन में चले जाओ, एयरपोर्ट पर चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, ज़्यादा हो सकते हैं। अब वहाँ पर कंडीशन क्या होगी कि क्या वो जो प्रपक है वो सबको जानता है या फिर संचारक सबको जानता है, नहीं, संचारक प्रपक सब प्रपकों को नहीं जानता। तो ऐसे में क्या होगा, जब आप पहले से बहुत कुछ सबके बारे में नहीं जानते, अब जिनके बारे में जानता है, एक अंकल मिले, पता लगा ये पापा के दोस्त हैं, नमस्ते अंकल, समझ में आ गया। अब एक अंकल और मिले जिनको जानता ही नहीं है, उससे नमस्ते करे तो क्या बोलेगा, भाई यार कौन था ये, वो अचंभे में पड़ जाएगा। होता है ना, देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो अपने हाथों पे कहीं पे नाम वाम लिखवा लेते हैं अपना, ठीक है, और नाम लिखवा लेंगे अपना, चल रहे हैं मस्ती में, घूम रहे हैं। अब मस्ती में घूम रहे हैं, आपने वो नाम पढ़ लिया और नाम पढ़ के बोल दो उसका नाम ले गए, मान लिया उसका नाम राजू था, पढ़ लिया, और राजू क्या हाल है, कैसे हो, सब ठीक। अब आप उसको जानते भी नहीं लेकिन आपने उसको कम्युनिकेट कर दिया, क्या होगा, सोचो पड़ जाएगा बंदा, कम से कम एक दो दिन तक दुखी रहेगा, एक दो दिन में ना सही, उस दिन तक तो दुखी ही रहेगा, क्या ये बंदा था कौन, कैसे जानता था मुझे, इसको मेरा नाम भी पता है, उसे ये नहीं ध्यान दिया कि उसने कहीं पर अपना नाम लिखवा रखा जो वो पढ़ सकता है, ठीक, उसने ध्यान ही नहीं दिया इस बात का। अब वो सोच में पड़ गया कि यार ये मेरे बारे में इतना कैसे जानता है, था कौन ये, हो सकता है वो उसको रोक के पूछ ले, ना भी पूछे वो उसकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ क्या हुआ, नहीं जानने के बावजूद भी जानकारी दे दी गई, मिल गई, ठीक। इसके विपरीत जिसको नहीं जानते उसका कैसी कंडीशन होगी, आप गए, हाँ जी बताइए, क्या बताऊँ भाई मैं तो आपको जानता भी नहीं, ये होता ना, मान लीजिए आपके बारे में कहता है यार ये ऐसा करता है, इसको मैं मिल रहा हूँ, यार मैं जानता भी नहीं, इसको झूठ बोल रहा है बंदा, मेरे को नहीं पता, मैं नहीं मिला इसको, कंडीशन आ गई कि आप जानते नहीं। जिसके साथ आप जानते हो पहले से, ठीक है, मान लीजिए ए पर्सन है वो बी पर्सन को पहले से जानता है, क्या होगा उसका, तो उसको कम्युनिकेशन करना आसान हो जाएगा, उससे संचार का माध्यम साधना आसान हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति हो, ठीक है, या फिर कोई भी कपल ले लो जिसकी नई नई शादी हो रही है, शादी से पहले उनकी कंडीशन कैसी होती है, मान लीजिए अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज को ले चलते हैं, लव मैरिज तो छोड़ दीजिए अभी, अरेंज मैरिज हो रही है, घर वालों ने क्या किया, पहले फोटो तो दिखाई, देखा फोटो, ठीक है भाई, घर वालों ने बोला मिल लेते हैं, चलो मिल लो, कम्युनिकेट हो धीरे धीरे, मतलब करीबी करीबी हो रहे एक दूसरे के, मिले पसंद भी आ गए, फिर क्या होगा, पसंद आने के बाद भी क्या उन्होंने बातचीत की,
हाँ वो 10 मिनट के लिए घर वाले बोलते हैं ना आप बातचीत करना चाहो तो कर लो, वो अलग जाते हैं बातचीत कर लेते हैं और आ जाते हैं, पसंद आ गए एक दूसरे को, 10 मिनट पसंद कर लिया ठीक। अब कंडीशन क्या हो गई कि उन्होंने बातचीत पूरी तरह की ही नहीं, कब तक नहीं की, वही होता है कुछ रस्में हो जाती हैं, जैसे लड़के की लड़की का रोका हो गया, सगाई हो गई, इंगेजमेंट हो गई एक बार, अब दोनों में हिम्मत आ जाती है इंगेजमेंट के बाद में कि चलो आप फोन नंबर एक्सचेंज कर लिए जाएं, ठीक है, या तो लड़के में इतनी हिम्मत होगी वो लड़की का मांग लेगा, फिर लड़की में इतनी हिम्मत होगी वो लड़की का लड़के का मांग लेगी, और कभी कभी क्या होगा दोनों में ही नहीं होगी तो उनके जो घर वाले होते हैं ना भाई बंधु भाभी ठीक है, तो वो सब अरेंज कर लेते हैं और दे देते हैं एक दूसरे को चेंज करके, ये उसका नंबर है बात कर लेना, बातचीत है, कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा ठीक। शादी होने तक दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे और शादी होते होते वो जान जाएंगे ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है भाई शादी के बाद तक कई साल तक नहीं जान पाता, दिमाग में क्या चल रहा, तो अलग कंडीशन है। अब यहाँ क्या हो गया, पहले से बहुत कुछ जानने की स्थिति आ गई कि आप किसी नए व्यक्ति के साथ में जुड़ गए हो, उसे जानते हो, लेकिन आपके लिए वो अभी भी नया है क्योंकि आपने उसके साथ जीवन बिताना शुरू कर दिया, लेकिन आप उसके बारे में पहले से बहुत कुछ जानते हो, जैसे उसको आपके पास एक लिस्ट होगी अपने आप ही, खाने में उसको क्या पसंद है, कहाँ उसको घूमना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, उसका फेवरेट कलर कौन सा, उसकी फेवरेट फूड कौन सा है, कौन सी जगह उसको ज़्यादा जानती है, कौन सी मूवी ज़्यादा देखती है, ये सब लिस्टें दोनों के बीच में एक्सचेंज पहली हो जाती हैं ठीक है। फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, फैमिली में क्या क्या होता है, कैसे कैसे चलते हैं, कौन क्या कर रहा है, सब चीज़ें आप फ़ोन के माध्यम से जान लेते हो। अब इसमें समय की कोई लिमिट नहीं होती कभी भी, कैसे, मान लीजिए एक महीना मिला जानने के लिए ठीक है, एक महीना मिला तो भी जान लेंगे, और एक वीक मिला, वन वीक मिला तो भी वो जान लेंगे ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, कम्युनिकेशन का साधन उतना ही बढ़ और घट जाएगा, एक महीना मिला तो ठीक है, छः महीने मिले तो और घट जाएगा, अरे यार ठीक है अभी बिजी हूँ बाद में मत करता हूँ ठीक है, थोड़ा देर देर जानेंगे, फिर कम टाइम मिलेगा तो ज़्यादा जानेंगे, धमाधम फोन पे, यार अब तो एक हफ्ता रह गया और बात कर लो और बात कर लो, लगे रहेंगे ठीक। तो ये होता है जानने का माध्यम। अब इसमें एक और कंडीशन क्या आएगी, ये तो हो गया, चलिए जैसे शादी वादी वाला वो एक लॉजिक ले लिया मैंने, एक कंडीशन और बताता हूँ। देखिए मान लीजिए आप किसी नए नए ऑफिस में ज्वाइन करते हैं ठीक है, नए ऑफिस में आपने ज्वाइन किया, अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक लौते स्टाफ वहाँ के हो या फिर आप और आपका बॉस ही वहाँ पर हो, हो सकता है 4-5-6% या 10 या 50% भी वहाँ पर हो सकते हैं स्टाफ में, अब वो आप लोगों के साथ में वहाँ पर वर्क कर रहे हैं। अब क्या आप पहले दिन जाओगे, आप जॉब पे गए फर्स्ट डे, आपका पहला दिन है जॉब का फर्स्ट डे, पहले दिन आप जॉब पे गए, आप जाती और जी क्या हाल है, सबसे मतलब गले वले लगाना हाथ मिलाना शुरू कर दिया, पॉसिबल है, मुश्किल है, क्यों आप जानते नहीं कोई कैसा है, आप किसी को गले लगाना पसंद है मारा चपाट, या बोला भाई पीछे रह के बात कर मुझसे, क्या बदतमीजी गले मिल रहा है ठीक है। तो पहले आप सबको जानोगे, इनफैक्ट आप ठीक से खाना भी नहीं खा पाते पहले दिन तो ठीक है, नए ऑफिस में जाकर के एकदम शाई नेचर होता है ठीक। उसके बाद आपको दूसरा दिन होगा, तीसरा होगा, करते करते आपको एक वीक तक निकल जाएगा, एक वीक होने तक वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स होंगे वो भी आपको समझने लग जाएंगे, जाने लग जाएंगे, तो आपका कम्युनिकेशन तो बढ़ जाएगा, फ़ोन नंबर एक्सचेंज जाएंगे, आप उनकी हेल्प करने लग जाओगे, वो आपकी हेल्प करने लग जाएंगे ठीक है। तो ये होगा क्या, धीरे धीरे आप जान रहे हो, वहाँ आप पहले से बहुत कुछ नहीं जान रहे लेकिन धीरे धीरे आप जान रहे हो। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, साल भर हो गया और आपको बोला आपके बॉस ने कि ठीक है अब आप जाकर के पूरी टीम को कम्युनिकेट करो, जो आपको टीम मिली है उसको कम्युनिकेट करो, आप इनको समझाओ कुछ चीज़ें, अब टीम नहीं भी हो सकती पुरानी भी हो सकती है, तो आपको क्या हुआ एक साल हो गया, इसका मतलब आप उस टीम को हैंडल कर सकते हो क्योंकि आप पहले से उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। तो ये कंडीशंस होती हैं कि आप पहले से बहुत कुछ जानते हो, इसमें हम बहुत सी कंडीशन ले सकते हैं, जितनी लेनी चाहिए वैसे मैंने उतनी बता दी है आपको। अब इसकी जो 8वीं विशेषता है उसमें मिलते हैं ठीक है। अब देखिए इसकी 8वीं विशेषता में क्या आएगा कि संदेश भेजने के विभिन्न तरीके होंगे, समझिए कैसे, इसको उदाहरण मैं दूंगा आपको, संचारक है और प्रपक है, ये दो बंदे हो गए, ये देखिए कितना खुश बंदा है, और ये देखिए कैंट तक खुश है, क्या है ठीक है, इसको चलिए समझते हैं। देखो आप मान लो मोबाइल फोन के जरिए
संदेश भेज रहे हो, ठीक है। अब मोबाइल फ़ोन के जरिए जो आपके संदेश हैं वो कैसे होंगे, सोचने वाली बात है भाई। तीन चार संदेश हो सकते हैं, आपने फ़ोन कर दिया, ठीक है, आपने मैसेज कर दिया, ठीक है। हाँ, हालांकि आजकल एक और नया संदेश चलने बहुत चल रहा है, वीडियो कॉल, ठीक, ओके, वीडियो कॉल हो गया। वीडियो कॉल में बहुत अच्छी चीज़ आपको दिख जाती है, क्लैरिटी हो जाती है कि बंदे का मूड कैसा है, आपको पता लग जाता है। लेकिन जब आप सामने हैं, ठीक, तो सामने क्या होगा कि आपको और भी प्रकार के संदेश मिल सकते हैं। कैसे, देखिए, सोचिए कि आपके सामने जो भी पर्सन बैठा है, जो भी इंसान जिसके साथ भी आप बैठे हैं, मान लीजिए आप बातें उससे कर रहे हैं, लेकिन वो आपको बातों पे ध्यान नहीं दे रहा, आपकी बातों को इग्नोर कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दे रहा है कि यार किसी तरह इस चेपू आदमी से पीछे छुड़ा दो मेरा, ठीक है, या फिर इस चेपू से पीछे छुड़ा दो मेरा। आपको क्या लग रहा है कि आप उसको बातें कर रहे हैं लेकिन वो आपसे पीछे छुड़ाना चाह रहा है, तो आपको उसकी हरकतों से पता लग जाएगा। ये भी संचार का माध्यम हो गया ना, कि उसकी हरकतें ऐसी होंगी जिससे आपको कुछ लग रहा है कि हाँ भाई ये मेरी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, जाने दो, भगा दो इसे यहाँ से, ठीक। एक और कंडीशन ऐसी आ सकती है, कैसे, कि आपने बात की, ठीक है। अब जैसे सोचिए कि जो मोबाइल फ़ोन है और ये सब जो मैसेज वैसेज का जो समाधान है, इसमें आप कुछ वे अपना सकते हो, लेकिन जैसे गूंगे बहरे व्यक्ति हो, क्या वो मोबाइल फ़ोन में बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, नहीं, तो वो क्या है, सामने सामने ही डिस्कस कर सकते हैं। अब आपके हाथ में रेड रोज़ है, ठीक है, अब आप सामने वाले को दे रहे हो, ये लो, मैं आपसे नफरत करता हूँ, आपने बोल दिया दे करके, सामने वाला क्या बोलेगा, अरे बड़ा बेवकूफ़ आदमी यार, रेड रोज़ दे रहा है, बोल रहा नफरत करता हूँ, ठीक है। तो आपके माइंड को, अब आपकी हंसी, अब मान लो आपने हंसी दिखाई, यार मैं तो आपसे बहुत नफरत करता हूँ, अच्छा, हम ही मिले बेवकूफ़ बनाने के लिए, नफरत में रेड रोज़। अब आप बोलो नहीं, ये तो वो कहते हैं खतरे की निशानी है, रेड रोज, आप मेरे से बच लो, मैं आपसे नफरत करता हूँ, इसका मतलब मैं आपका खून कर दूंगा। कहेगा नहीं यार, लाल रंग तो प्यार की निशानी भी होता है, ठीक। तो रंगों के माध्यम से आपको क्या है, संचार की प्रक्रिया भी मिल रही है। तो जो प्रतीक होते हैं उनके माध्यम से भी आपको कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यही हो गया आपका कि आप जब सामने होते हो किसी के, तो विभिन्न प्रकार से, ठीक है, आप होते हैं कि जैसे आप किसी ऑफिस में हो, ठीक, आपका बॉस आपसे बातें कर रहा हो और आप ऐसे हाथ बांध के खड़े हैं, ठीक है सर, तो क्या बॉस क्या समझता है, अरे इन्हें तो हाथ पहले ही क्रॉस कर रखे हमने, यानी कि मेरी बात समझ नहीं रहा, अपने आपको बहुत बड़ा समझ रहा, बॉस क्या बोलेगा, चल बे बाहर चल, करेक्ट है, ठीक। पुलिस वाले के, आप पुलिस वाले के सामने आप हो, सामने हो, पुलिस वाले बोले हाँ भाई बता क्या चित को, आप क्या बोलोगे, अरे सर फलाना ढिमका रहे, कॉलर ऊपर करोगे, थप्पड़ मारेगा पुलिस वाला, आपने क्या बोलेगा, अच्छा मेरे को वो दिखा रहा तू, इतना बड़ा हो गया, ठीक। आपके फादर हैं, सपोज आप अपने फादर से बात करते हो, फादर बोले अरे पापा नहीं रहने दो ना, मैं ही कर दूंगा, पापा बोलेंगे अभी जितना है उतना रहे, आवाज़ नीचे कर, क्या होगा, आपके एटीट्यूड से पता लग जाएगा कि आपके अंदर की भावनाएं कैसी, आप क्या चाहते हैं सामने वाले से, ठीक, बताएं कि भावनाएं समझ लेते। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि संदेश भेजने के वो भी तरीके हैं कि आप सामने रह करके, कभी होता ना कि जैसे आप बहुत से होते हैं, देखिए जो नए नए बच्चे होते हैं, नए नए बच्चों का मतलब ये नहीं जो पैदा हुए, नहीं, वो बच्चे जो अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके होते हैं और फिर वो किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, ठीक है, अब इंटरव्यू में जाने के बाद वो तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू तैयारी वो विभिन्न प्रकार से करेंगे, जैसे कि इंटरनेट से, आजकल तो इंटरनेट का चलन बहुत है, इंटरनेट से करते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर पता करते हैं भाई इंटरव्यू कैसे दें, तो वो क्या बोलेंगे, आपकी ड्रेस फॉर्मल होनी चाहिए, ब्लैक तो कतई मत पहनना, ठीक है, नेगेटिविटी हो जाती है ब्लैक पहनने से, स्काई ब्लू पहन लेना बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर, व्हाइट पहनोगे तो खुले दिमाग के, नीला पहनोगे तो खुले ओपन दिमाग के लगोगे, ये सब बताते हैं ना वो, जीन्स मत पहनना ना, फॉर्मल शूज, टाई वाई लगाना, लगोगे पढ़े लिखे हो, तो ये सब क्या है। अब आप सोचिए एक इंसान इंटरव्यू देने जा रहा है, ठीक है, गया वो जीन्स टी शर्ट पहन के चला गया, भाई मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, कहेगा इंटरव्यू दे रहे हो आप, मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू, मतलब आपको देख के भगा देगा, करेक्ट है ना, होता है कि रिज्यूमे बनाने का तरीका होता है कि आपने बनाया उसमें आपने चीज डाली और सब आपने बोल्ड कर दिया, वो क्या बोलेगा कि अरे मेरे को अंधा समझा इसने, सब कुछ हाईलाइट कर दिया, मैं अंधा हूँ, जब मैं छोटी छोटी बारीक चीज़ें पढ़ सकता हूँ तो क्या ये वाली चीज़ नहीं पढ़ूंगा, तो विभिन्न प्रकार, कुछ को बोल्ड अच्छा लगता है, ठीक। तो आप संदेश देना चाह रहे हो, आपने कुछ विशेष चीज़ों को हाईलाइट कर दिया, इसका मतलब आप संदेश दे रहे हो कि ये चीज़ों पर फोकस कीजिए सर, मेरी चीज़ अच्छाई है, आपने कुछ ज़्यादा बता दिया तो आपसे पूछ लेगा, अच्छा आप नोवेल पढ़ना शौक हो, अब हालांकि जो नोवेल उसने पढ़ी हो आपने ना पढ़ी हो पूछ लेगा, बताओ इस नोवेल के बारे में, फिर आपने किसने लिखी है, आपने पढ़ी ही नहीं है वाली नोवेल, तो फिर ये चीज़ है कि आप संदेश किसी भी माध्यम से दे रहे हो,
कैसे दे रहे हो कि आपके सामने वो चीज़ है, कोई भी हो सकता है, प्रतीक हो गया, आपके कपड़े का पहनने का तरीका हो गया, ठीक है, आपकी बातचीत का तरीका, चलने का तरीका, लिखने का तरीका, कुछ भी हो सकता है वो। तो ये हो गई इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की आखिरी और आठवीं जो कंडीशन थी, विशेषता थी वो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, ठीक। चलिए मिलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन में।